हेलो फ्रेंड्स, हमारी नई वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं सैंडविच। सैंडविच के लिए हमने 3 से 4 ब्रेड ली हैं बड़ी साइज की, और कटा हुआ हरा मिर्च लिया है, और 4 से 5 आलू लिए हैं। आलू को हमने उबाल लिया है और छील लिया है, और आलू को मैश कर लिया है। सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले हम आलू का मसाला तैयार करेंगे। आलू का मसाला तैयार करने के लिए हमने एक कढ़ाई ली है। सैंडविच बनाने के लिए इसमें हमने 1 चम्मच ऑयल डाल दिया है। अब हम इसमें, जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए, तो इसमें हम सौंफ और धनिया का पाउडर डाल देंगे। और कटा हुआ हरा मिर्च डाल देंगे। इन दोनों को अच्छी तरीके से चटक जाने देंगे। अब हम इसमें आलू डाल देंगे। इसमें हमने मैश किया हुआ आलू डाल दिया है। 1 से 1.5 चम्मच के लगभग इसमें नमक ऐड कर देंगे। नमक आप अपनी स्वाद अनुसार भी ले सकते हैं। इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। थोड़ी सी लाल मिर्च भी ऐड कर देंगे। इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। आलू को हमें बहुत अच्छी तरीके से भूनना है। सकते हैं कि सैंडविच के लिए बढ़िया सा आलू बनकर तैयार हो रहा है। इस आलू को हम किसी भी चीज में यूज कर सकते हैं, जैसे कि आलू पराठा, सैंडविच और समोसे बनते हैं, तो समोसे में भी इस आलू का यूज कर सकते हैं। बच्चों को रोल बहुत पसंद होते हैं, तो हम रोल में भी इस आलू का यूज कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, और इसको हम सब्जी के रूप में भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपको पूरी के साथ सूखी सब्जी खाना है, तो सूखी सब्जी के रूप में भी इसको हम यूज कर सकते हैं। अब हमारा आलू बनके रेडी हो रहा है। हम कहीं पर घूमने जाते हैं तो पूड़ियाँ लेके जाते हैं, तो इसके साथ हम पूड़ी के साथ सब्जी को भी लेके जा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। हमारा आलू बन के अब रेडी हो चुका है। गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसको एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। एक प्लेट में ट्रांसफर कर लिया है। आप देख सकते हैं कि हमारा आलू बनके एकदम रेडी हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल देंगे। धनिया पत्ती से ये देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। आप देख सकते हैं मज़ेदार सा आलू बनके रेडी हो चुका है। सैंडविच बनाने के लिए हमने एक पैन ले लिया है। पैन को हमने लो फ्लेम पे गर्म होने के लिए हम सबसे पहले ब्रेड लेंगे। ब्रेड के ऊपर हम अपना आलू का मसाला लगाएंगे। कई लोग इसकी ब्रेड की ये काली किनारी निकाल देते हैं, पर इसको निकालना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये भी खाने में टेस्टी लगती है। आलू को हम अच्छी तरीके से ब्रेड के चारों तरफ फैला देंगे। आप छोटे साइज की ब्रेड भी ले सकते हैं, मैंने बड़े साइज की ब्रेड ली है। अब आलू अच्छे से ब्रेड में पूरी तरीके से लग चुका है। ऊपर हम हल्का सा घी लगाएंगे। आप चाहें तो इसमें
बटर का यूज भी कर सकते हैं और इसको हम पैन के ऊपर रख देंगे। इसको हमें अच्छी तरीके से सेकना है। अब गैस की फ्लेम को थोड़ा हाई कर लेंगे। इसको हमें अब पलट देना है। आप देख सकते हैं कि ये सिकने लगा है। अगर आपको घी या बटर कुछ भी कम लग रहा हो तो आप हल्का सा और भी लगा सकते हैं ताकि ये अच्छी तरीके से सिक जाए और खाने में बहुत ही क्रिस्प लगे। आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से सिक रहा है। ये बच्चों के स्कूल टिफिन के लिए बहुत ही अच्छा नाश्ता है। सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए जैसे पहले अगर आपको बहुत ही जल्दी है तो रात में आलू उबाल के रख लीजिए और सुबह आप इसको ब्रेड के साथ बना लीजिए। ये बहुत ही कम समय में बन जाता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और ये ब्रेकफास्ट हैवी भी होता है। इसको हम चारों तरफ से बहुत अच्छी तरीके से सेकेंगे। इसको आप जितना अच्छा सेकेंगे इसमें उतना ही अच्छा क्रिस्प आ जाएगा। आप देख भी सकते हैं कि ये कितनी अच्छी तरीके से सिक रहा है। आप अपने घर पे इसे बनाकर जरूर ट्राई करिएगा। ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। और आपके बच्चे भी इसे बहुत पसंद करेंगे। देख सकते हैं कि हमारे सैंडविच पूरी तरीके से सिक चुका है। अब हम इसको एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें प्याज टमाटर भी डाल सकते हैं और हल्की सी चटनी या सॉस भी लगा सकते हैं तो ये खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। हमने सैंडविच को दो पीसेस में कट कर लिया है। आप देख सकते हैं कि ये देखने में और भी ज़्यादा अब सुंदर लगने लगा है। इसको हम टमाटो केचप और सॉस ग्रीन चटनी के साथ भी खा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि बढ़िया से सैंडविच बनके तैयार हो चुके हैं। इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।